गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का फोटोज देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मावा मोदक। तो ये मैं बहुत ही अलग अलग स्टाइल में एक ही मावे का यूज़ करके बनाने वाली हूँ, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, ये अलग अलग फ्लेवर्स के मावा मोदक मैंने एक ही मावे से क्रिएट किए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरी इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और यूनिक मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे मैंने मावा लिया है, ये मैंने होममेड मावा लिया है। इसका मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे लिया है पाउडर शुगर, बुरू पाउडर आती है उसका शुगर पाउडर लिया है मैंने 3 टेबलस्पून जितना। 1 टेबलस्पून देसी घर का घी लिया है, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून लिया है। और ये चॉकलेट की थोड़ी छोटी छोटी ऐसे चिप्स आती है, वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। और ये कि ये मोर लिया है जिससे हम मोदक बनाएंगे। तो चलिए हम एक बाउल ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। और घी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा जो मावा है वो नीचे चिटक ना जाए। और उसके बाद इसमें हम चीनी डाल देंगे और मिल्क पाउडर डाल देंगे। फ्रेंड्स, चीनी और मिल्क पाउडर की जगह आप कोकोनट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी इसका अच्छा टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। उसको अब दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम दो कलर में इसे बना रहे हैं। तो दो कलर के लिए हम दो पार्ट में इसे डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट में हम डालेंगे कोको पाउडर। फ्रेंड्स, हमें जो चीनी ली है वो 3 टेबलस्पून चीनी है, तो इतनी चीनी इसमें काफ़ी है क्योंकि हमने ये जो मावा बनाया है मिल्क पाउडर से बनाया है, तो और ऑलरेडी ये थोड़ा मीठा ही होता है, तो उसमें हम ज़्यादा चीनी का ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हम मोल लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे जिससे कि ये चिटके ना। इसके बाद हम अलग अलग तरह के मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे 8 से 9 स्टाइल में मोदक बनाना सिखाने वाली हूँ। फर्स्ट तो हम सिंपल वाइट कलर के जो मावा मोदक होते हैं वो बनाएंगे, जिसमें हम कुछ भी डालेंगे नहीं, सिर्फ मावा डालेंगे और मावे से इस मोदक को क्रिएट करेंगे। मॉल में इस तरह से भर लेंगे मावे को। इसी मावे से आप अच्छे अच्छे पेड़े भी बना सकते हो या फिर बहुत कुछ बना सकते हो। अभी गणेश जी का त्यौहार चल रहा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मोदक बनाया है। तो आप कोई भी शेप में इस मिठाई को बना सकते हो फ्रेंड्स, जो भी आपको शेप पसंद हो वो शेप में। तो रेडी है हमारा फर्स्ट मोदक, आप देख सकते हो कितना अच्छा मोदक बन के रेडी हुआ है। अभी हम दूसरी स्टाइल में मोदक भी बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप मावा मोदक बना सकते हो एकदम सिंपली। अभी हम दूसरा जो कोको पाउडर का मोदक बनाएंगे वो भी इसी तरह से सिंपल वे में ही बनाएंगे। तो कॉफ़ी मोदक, चोको पाउडर का मोदक भी रेडी है, इसी तरह से मॉल में हम रेडी कर लेंगे। और एक्सेस जो निकलता है आगे का बैटर, वो स्टफिंग, वो निकाल के फिर इस मोदक को रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हो सेकंड मोदक हमारा रेडी है। अभी हम तीसरी स्टाइल दिखाने जा रही हूँ, तो उसमें हम डालेंगे ब्लैक मोदक का चॉकलेट मोदक, और इसमें इस तरह से डैप करेंगे। और फ्रेंड्स, बीच में हम गड्ढा बनाएंगे थोड़ा सा, और जो चॉकलेट चिप्स ली है छोटी वाली लंबी वाली, उससे हम इसमें डालेंगे। ये अंदर से बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, और ऊपर से इस तरह से कवर कर देंगे। तो रेडी है हमारा तीसरा स्टाइल में मोदक, ये बहुत ही अच्छा लगता है अंदर से। और इसके हम थोड़ा सा चॉको चिप्स ऐसे स्प्रेड करेंगे। और चौथे स्टाइल में हम मावा, सिंपल वाला मावा लेंगे, और इसमें भी इस तरह से गद्दा ले करेंगे और इस तरह से जो चॉकलेट चिप्स है उसे स्प्रेड भर देगी इसमें।
इसमें से कोई भी स्टाइल का आप मोदक बना सकते हो। सारी स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो कोई भी वे में आप मोदक बना सकते हो फ्रेंड्स, या फिर कोई भी शेप दे सकते हो आप इसे। इसे भी थोड़ा सा स्प्रेड कर लेगी ताकि हमें पता चले कि ये कौन से स्टाइल वाला मोदक है। अभी हम पांचवें स्टाइल में बनाएंगे, तो उसमें हम डबल लेयर लगाएंगे, जिसमें एक लेयर हमारी वाइट वाली नॉर्मल मावे वाली होगी और एक वाली चॉकलेट मावे वाली होगी। ये दिखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है और बहुत ही टेस्टी भी रहता है। तो हमारा पांचवा मोदक भी रेडी हो गया है। अभी छठा मोदक हम इस तरह से बनाएंगे। पहले हम वाइट मावा डालेंगे, उसके बाद चोको मावा डालेंगे। थोड़ा सा घी लेके हाथ पे ताकि ये चिपक ना जाए, और इस तरह के से डैप कर लेंगे। आप देख सकते हो ये कितना मस्त दिख रहा है फ्रेंड्स। तो छठा मोदक भी हमारा रेडी है। सातवें स्टाइल में हम बनाएंगे, सारे चोको चिप्स को इसमें डाल देंगे मावा मोदक में, तो मावा मोदक विथ चॉकलेट स्टाइल हो जाएगी इसमें। स्मॉल को डैप कर लेंगे और मोदक को निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितना यमी लग रहा है ये। अभी हम चॉकलेट चिप्स जो है वो चॉकलेट वाला जो मावा है उसमें डाल देंगे, और इससे भी इस तरह से जिस तरह से हमने मावे मोदक बनाया मावा चॉकलेट वाला, वैसे ही इस तरह से चॉकलेट चिप्स वाला भी बना लेंगे। चॉकलेट चिप्स से इसका जो टेस्ट है बहुत ही अमेजिंग आता है फ्रेंड्स। ऐसी चॉकलेट चिप्स आपको मार्केट में मिल जाएगी आसानी से। और लास्ट वाला मोदक हम दोनों मिक्सर को मिक्स करके बनाएंगे ताकि ये जो दोनों कलर है हमें दिखे, तो ये भी बहुत ही यूनिक लगता है, बहुत ही टेस्टी दिखता है। आप देख सकते हो इस तरह से। तो सारे मोदक हमने बना के रेडी कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप कोई भी स्टाइल में मोदक बना सकते हो और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये मोदक। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कितने अमेजिंग मोदक बन के रेडी हुए हैं और बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी शेप में इसे बना सकते हो, तो ये मावे से आप इतनी अच्छे अच्छे मोदक अलग अलग स्टाइल के बना सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो व्यूअर्स। बाय।